एक रिकॉर्ड ले लो, जितना बोलूं दूसरी भी बोलूं कि ब्रिज के कारण भी ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ। आज ही जलप्रलय दिसत असून वारंवार पुणे महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार करून कुठलीही महानगरपालिका कुठल्याही प्रकारचं लक्ष देत नाहीये। माझं महानगरपालिकेला एकच सांगणं आहे, जर तुम्ही येत्या 2 दिवसात या जलप्रलयाला जर काढलं नाही किंवा त्याचं काही म्हणजे प्रक्रिया बघितली नाही तर आम्ही पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना त्यांच्या दालनात जाऊन ही जलप्रलय भेट देणार। यहाँ पे करीबन कुछ नहीं तो 50 से ज्यादा सोसाइटीज हैं। हम लोग करोड़ों का प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। पहले तो सिर्फ पानी और रोड की समस्या थी, अभी एक एडिशनल समस्या हमारे पास मच्छरों की है, जिसकी वजह से यहाँ के रेसिडेंट्स का रहना मुश्किल हो गया है। वो जो वीडियो आपने देखा वो एकदम सही सच है, वो वीडियो वो यहीं के रेसिडेंट्स ने लिया हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ पर मच्छर होते हैं। शाम के समय लोगों का अपनी सोसाइटी प्रमाइसिस भी निकलना मुश्किल होता है। हम लोग अपने दरवाजे नहीं खोल सकते, बालकनी में नहीं जा सकते, बच्चे नहीं खेल सकते नीचे, वॉचमैन का बैठना मुश्किल है। और ये आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो ये पूरी नदी जो है वो जलपर्णी से भरी हुई है और गंदगी से भरी हुई है। जब तक नदी की सफाई नहीं होती है तब तक ये एरिया में ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए और बीमारियों से भर जाए। तो प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी केशव नगर पर ध्यान दें और इस नदी की सफाई की तुरंत व्यवस्था की जाए। प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जलपर्णी को जल्दी निकाला जाए, जिससे कि एरिया जो है स्वच्छ रहे, डेंगू और मलेरिया से मुक्त रहे ये एरिया, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर इतना हो चुका है कि रहना मुश्किल है। हम लोग तो ठीक है, एस्टैब्लिश लोग आप उनसे पूछे जो कि छोटे घरों में रहते हैं, अगर उनके यहाँ बीमारी हो गई, डेंगू मलेरिया हो गया, उनके पास सर्वाइव करने के लिए पीएम प्रशासन के पैसे देगा? अगर उनके यहाँ कोई डेथ होती है, कोई इश्यू होते हैं तो मी प्रशासन एवढं निवेदन करते कि तुरंत हे जे पण आहे ते आम्हाला त्रास होत आहे आज अजूनपर्यंत मच्छरासाठी, त्यासाठी लवकरात लवकर याचं निवेदन। एवढं लहान लहान पोरांना मच्छर, माझे पण एक लहान पोरं आहे, पण आम्हाला किती त्रास होते ते मच्छर, संध्याकाळी बाहेर निघू नाही शकत, बाहेर पडू नाही शकत, खूप खूप लोकांना त्रास होत आहे। त्यामुळे मी प्रशासनाला निवेदन करते की लवकरच लवकरच याचा ह्या करावं। निवेदन है कि ये जो भी मच्छरों का प्रॉब्लम चल रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और जो भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह चेन से उनकी ड्यूटी कर सके और अच्छे से घूम सके, फिर सके। बेलबस्ती है, बच्चे का बैठने बैठना थे, जो अंदर आया उसके साथ 8 मच्छर अंदर आएंगे, दिन उनको मारा और फिर अंदर। और ना ऐसे बोलते हैं, बाहर वाला रेडी रहो दरवाजा।